से सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सड़क के किनारे जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गुजरात दौरा था और सुबह देखा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा विश्वविद्यालय को समर्पित किया, राष्ट्र को समर्पित किया। उसके बाद उससे पहले भी रोड शो किया और अब पहुँचने से पहले भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और अगला जो कार्यक्रम है वो है खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर है। तो दो दिवसीय दौरे पर है, इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर के दहेगाम में रोड शो किया। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोगों का जनसैलाब सड़क के दोनों किनारों पर उमड़ पड़ा। ये पहले के जो तस्वीरें हैं, जो दो दिवसीय दौरा है, इससे पहले जब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने जा रहे थे प्रधानमंत्री, उससे पहले उन्होंने रोड शो किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों किनारे बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, हम लोगों ने सुबह से ये तस्वीरें देखी, लोगों का अभिवादन स्वीकार करे। तो ये एक लगाव है, एक प्रेम है प्रधानमंत्री का और आप देख रहे हैं। और अब ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा प्रसारण देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम जा रहे हैं की ओर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम पहुंच रहे हैं और सड़क के किनारे आप देख रहे हैं कि लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और एक खेल महाकुंभ का उद्घाटन, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सुबह की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, राष्ट्र को समर्पित करने पहुंचे थे, तब की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तब दोनों सड़क के दोनों तरफ लोग बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री का लोगों ने स्वागत किया, अभिवादन किया, प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। तो लगातार ये प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात का दूसरे दिन का दौरा है जहां पर लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया गया और इसके आने वाले दिनों में जो डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी मजबूती मिलेगी, रोजगार की एक बड़ी संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। तो प्रधानमंत्री लगातार हर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि जो युवाओं को है उनको मौका मिल सके। आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री जा रहे थे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का राष्ट्र को समर्पित करने, उस समय लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों से बात की, लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया, जगह जगह पर लोग खड़े हुए थे और गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। तो प्रधानमंत्री का दो दिवसीय गुजरात का दौरा था जो कई मायनों में बेहद खास रहा है और खासतौर से अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो रक्षा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो मिली है, आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर में नए रिसर्च होंगे, नए शोध होंगे और युवाओं को बहुत मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो संबोधन दिया उसमें भी कहा कि जो महिलाएं हैं उनकी जो भूमिका है इसमें आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, रिसर्च किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब थोड़ी देर बाद 11वें जो खेल महाकुंभ है उसका उद्घाटन करेंगे और खेल के प्रदर्शन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। खेल को महत्व बढ़ावा शुरुआत से ही दिया जा रहा है, खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जो टैलेंटेड युवा है जो खेल के क्षेत्र में और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मेघना सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। मेघना, दो दिवसीय दौरा था और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए, कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल संतोष, देखिए दो दिवसीय दौरा रहा है और उसमें कई कार्यक्रम रहे हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम जो थे, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम थे जो कमलम में हुए, उसके अलावा भी जो दूसरे कार्यक्रम थे, सुबह शुरुआत हुई थी कल की रोड शो से,
काफी बड़ा रोड शो था, तकरीबन 4 लाख लोगों की उपस्थिति थी उस रोड शो में। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो काफी धीरे चला, तकरीबन 30 मिनट की जो दूरी थी, 20 से 30 मिनट की दूरी, वो 1.5 से 2 घंटे में तय की गई। काफी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और लोगों का जिस तरीके से, लोगों ने जिस तरीके से अभिवादन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आज भी देखने मिला जी। जब वो सुबह देहगाम आए, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के जो पदवीदान समारोह में जब आए थे उसमें भी देखा गया कि देहगाम, क्योंकि थोड़ा सेमी रूरल जैसा इलाका है, वहां पर गांव के भी आसपास के लोग जो थे वो नजर आ रहे थे, छतों पर खड़े थे कई लोग। और अभी हम देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एयरपोर्ट की तरफ वाले रास्ते से आ रहे हैं, और ये यहाँ अहमदाबाद में जो स्थित स्टेडियम जी आएंगे, और यहाँ पर खेल महाकुंभ का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अहम बात यह है कि ये जो पूरा रास्ता है ये रिवर फ्रंट से भी होकर आएगा, और हम अभी कुछ देर पहले देख रहे थे कि वहां पर भी लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिवर फ्रंट के रास्ते होकर वहां से जाएंगे तो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी समझ सकते हैं ये है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं और इस स्टेडियम तक आने की। और वो पूरे रास्ते पर कई जगहों पर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ लोग आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हुए हैं। और देखिए आप तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से लेकर सरदार पटेल स्टेडियम तक के बीच का जो सफर है वो तय कर रहे हैं। दोनों तरफ से, सड़क के दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अभिवादन दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। आप देख रहे हैं किस तरीके से फूल जो है, पुष्प जो है वो पुष्प की वर्षा की जा रही है। मेघना, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो ये जो खेल महाकुंभ है किन मायनों में खास है, क्या इससे भी प्रोत्साहन मिलेगा युवाओं को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए खेल महाकुंभ ने एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव, गुजरात का जो पूरा खेल का इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया। लोगों की जो, युवाओं की रुचि जो है खेल के प्रति और ज्यादा बढ़ गई जब से खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। कई लोग तो एक भर से, हर जिले से लोग जो है खेल महाकुंभ में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और कई इवेंट्स में तकरीबन 1 महीने तक ये खेल महाकुंभ है और कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और देखिए एक बहुत बढ़िया एक कॉन्फ्लुएंस है जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स में, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का, और उसके साथ कबड्डी है, खो खो है, योगासन है, मलखम है, और उसके साथ ही मॉडर्न स्पोर्ट्स है, तो सभी स्पोर्ट्स जो है खेल महाकुंभ का हिस्सा है। तो देखना, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, फूल की वर्षा की जा रही, दोनों सड़क के दोनों तरफ लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं प्रधानमंत्री का। जी, तो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है गुजरात का, और कई बड़े कार्यक्रम किए गए जहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया गया ताकि डिफेंस के क्षेत्र में
बढ़ावा दिया जा सके। और अब कुछ ही देर बाद जो है वो खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि खेल के क्षेत्र में सिर्फ शहर के लोगों को नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो युवा हैं, उनको भी मौका मिले, उनको भी बढ़ावा मिले, एक मंच मिल सके। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहाँ पर कुछ ही देर बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। और मकसद यही है कि लोगों को खेलों के प्रति जागरूक किया जाए, युवाओं को जागरूक किया जाए, और ख़ास तौर से जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, गांव के जो युवा हैं, जो खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उनको भी ऐसे कार्यक्रमों से एक मंच मिलता है, एक हौसला मिलता है, अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाने का मौका मिलता है। और लगातार सरकार की तरफ से यही प्रयास किया जाता रहा है कि खेल के क्षेत्र में युवाओं को आगे लाया जाए। खेलो इंडिया के माध्यम से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लगातार अलग अलग शहरों, अलग अलग जिलों में, ताकि युवाओं को के अंदर जो है वो फिटनेस की भावना है, खेल की भावना है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। और आप लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री दो दिवसीय दौरे पर हैं गुजरात में, और लगातार जो वहाँ की जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, आप देख रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फूल की वर्षा की जा रही, ताकि लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का भी यही प्रयास है कि जो युवा हैं उनको आगे बढ़ावा दिया जाए, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे अलग अलग सेक्टर के माध्यम से। तो आप लगातार सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कि गुजरात में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का जो सफ़र है वो तय कर रहे हैं। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, लोगों की जो शुभकामनाएं हैं स्वीकार कर रहे हैं। तो यही प्रयास किए जा रहे हैं कि हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि हमने सुबह ही देखा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी कि एक बड़े बदलाव आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर में मिलेंगे, शोध होंगे, नवाचार होंगे। और अब से कुछ ही देर बाद ये जो सफ़र है प्रधानमंत्री का राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम तक का, कुछ ही देर बाद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, उसका उद्घाटन करेंगे। और मकसद यही है कि खेल के प्रति युवाओं को, लोगों को आकर्षित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और सिर्फ खेल ही नहीं, फिटनेस के प्रति भी लोगों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार यही लगातार प्रयास करे कि फिटनेस के प्रति भी लोग सचेत रहें, जागरूक कर रहें। तो प्रधानमंत्री का दो दिवसीय जो दौरा है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहा है, हम चाहे डिफेंस सेक्टर की बात करें, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो राष्ट्र को मिला है, या फिर हम खेल महाकुंभ की बात करें जहाँ युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, युवाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा। तो कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे, और प्रधानमंत्री का ये दो दिवसीय ये दौरा है, और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो सड़क के किनारे जो खड़े हुए जो लोग हैं वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही, आप देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो प्रधानमंत्री जी अब, और जनता भी प्रधानमंत्री के सम्मान में, उनके इस्तकबाल में सड़कों पर उतर, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़, युवाओं की भूमिका, जो युवा की संख्या है वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार, और सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए लोग मौजूद हैं, लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। जो फूलों की वर्षा लगा, आप देख रहे हैं कि फूलों की वर्षा लगातार की जा रही है, ताकि वो अपने जो चहेते प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत कर सके, उनका सम्मान कर सके। और प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये जोश, ये उत्साह देखने को जो मिल रहा है, सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, फूलों से वर्षा की जा रही है। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जो खेल महाकुंभ है उसका उद्घाटन करेंगे। तो आप सीधी तस्वीरें गुजरात से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उतरे हुए हैं, और कुछ ही देर बाद जो खेल महाकुंभ है उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो दो दिवसीय दौरा जो है प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर और लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का इंतजार भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके पास से गुजरेंगे, तब लोग अभिवादन करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि जो युवा हैं, छात्रों की जो है कि एक बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद हैं अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो ये जो सफर है राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का सफर है जो प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं।
और आपसे कुछ और आपसे कुछ ही देर बाद खेल महाकुंभ का उद्घाटन होगा। और खेल महाकुंभ का मतलब यही है कि युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित किया जाए, लोगों को फिटनेस के प्रति आकर्षित किया जाए, ताकि एक स्वस्थ भारत, एक मजबूत भारत। आप सीधे ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री लगातार जो सरदार पटेल, जो राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का जो सफर है वो तय कर रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में, देखिए ढोल नगाड़े लेकर भी लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सड़क के किनारे जो खड़े लोग हैं वो काफ़ी देर से खड़े अपने प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं और अब जब प्रधानमंत्री उनके पास पहुंचे हैं तो वो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। तो ये गजब का उत्साह आप देख सकते हैं। और महिलाओं की भूमिका, युवाओं की भूमिका, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अपने तो दो दिवसीय दौरा आप देख रहे हो। लगातार दो दिन में तीन बड़े रोड शो किए हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, अभिवादन किया और गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम सीधे तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लोगों के अंदर गजब का उत्साह अपने प्रधानमंत्री को लेकर। लोग अभिवादन कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है ताकि वो अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर सके। और घंटों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके साथ उनके बीच से निकलेंगे। और आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री का लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनका वो अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां हैं, फूल हैं, कुछ लोगों के हाथों में मालाएं हैं ताकि जब प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुँचे तो उनका वो स्वागत कर सके। और पिछले दो दिनों में तीन रोड शो किए जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री का तहे दिल से स्वागत किया। एक अलग सा उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला।
उन लोगों का इंतज़ार अपने प्रधानमंत्री के लिए, उनके स्वागत के लिए, जहां पर महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब उनके बीच पहुँचे तो उनका स्वागत करें। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो काफ़ी है वो राजभवन से लेकर सरदार पटेल स्टेडियम तक के बीच का सफ़र है, जहां पर कुछ ही देर में खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों के हाथ में पुष्पमालाएँ हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। जो प्रधानमंत्री और एक गजब का उत्साह लोगों में, एक जोश अपने प्रधानमंत्री को लेकर कि उनके बीच से जब गुजर रहे हैं तो लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर। प्रधानमंत्री भी गाड़ी के अंदर से लगातार हाथ हिलाकर लोगों का जो अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का जो हौसला है वो बढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग, सबके हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, गुलाब के फूल हैं, जो उनके प्रधानमंत्री के ऊपर उनके स्वागत के लिए हैं, पुष्पमालाएँ हैं। तो ये राजभवन से लेकर सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का जो सफ़र है, उसके दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो बस एक नज़र अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, उनके स्वागत के लिए उमड़े हैं, घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और अभी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके बीच जब पहुँचेंगे तो फूल मालाओं से, पुष्प गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो अपने नेता के प्रति एक जोश, एक उत्साह आप देख रहे हैं। देखिए आप, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री जो है उनके बीच पहुंचे और वो उनको स्वागत करने का, अभिवादन करने का मौका मिले। और ये जो सफर है लगातार राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम के बीच, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। तो लगातार ये उत्साह, ये जोश अपने नेता के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए सड़कों के किनारे लगातार देखने को मिल रहा है। जो अहमदाबाद की गलियों में लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे अपने प्रधानमंत्री का, और अब प्रधानमंत्री जब उनके बीच पहुंचे हैं तो लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उतनी उत्सुकता के साथ, उतने जोश के साथ प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और आप सुन सकते हैं कि मोदी मोदी के नारे गुंजायमान हैं चारों तरफ, और चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, सब शामिल हैं सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आप ये उत्सुकता, ये शोरगुल आप सुन सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग कितने उत्सुक हैं। घंटों से इंतजार कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री जब उनके बीच पहुंचे हैं तो अब उनका अभिवादन। तो राजभवन से लेकर सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का सफर प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं, और सड़क के दोनों तरफ जगह जगह पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं, बैंड बाजे के साथ लोग पहुंचे हैं, उनके हाथ में फूल मालाएं हैं, पुष्प पंखुड़ियां हैं, गुलाब की पंखुड़ियां हैं। तो आप ये देख रहे हैं जब तो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो सरदार स्टेडियम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सड़क के किनारे जो खड़े हुए लोग हैं उनका अभिवादन लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। उधर से भी लोग बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और अभी अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जो है वो खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। तो ये अहमदाबाद की वो सड़क है जो राजभवन से लेकर सरदार पटेल स्टेडियम की तरफ जाती है, और जहां दोनों तरफ बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के पीछे भी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मौजूद हैं, उनके हाथों में फूल मालाएं हैं। और ये जो भीड़ का क्रम है, जो तांता है, वो कहीं से कट नहीं रहा, कहीं से कम नहीं हो रहा है। लगातार सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, और इसीलिए काफिला जो है काफ़ी धीमे है, समय लग रहा है पहुँचने में। और प्रधानमंत्री भी बड़ी उत्सुकता के साथ लोगों का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुष्प वर्षा हो रही है, जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी के ऊपर,
और उत्साह आप देख सकते हैं कि लोगों में किस प्रकार का उत्साह है। घंटों से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता था कि इस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे और वो बस एक झलक अपने नेता के, अपने प्रधानमंत्री के देखना चाहते। तो इसी कड़ी में आप देख रहे हैं लगातार लोगों का जो हुजूम है वो सड़क के दोनों तरफ है और नारों के साथ, उद्घोष के साथ। ये उत्साह, ये उमंग आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद की सड़कों पर हैं और राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम का जो सफर है, जो रास्ता है, वो बहुत ही धीरे धीरे तय हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अलग अलग जगह पर लोग, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन करें। आप देख सकते हैं गुब्बारे भी छोड़े जा रहे हैं और पिछले दो दिनों में 3 रोड शो किए हैं प्रधानमंत्री ने और ये जो 2 दिवसीय दौरा था गुजरात का बेहद कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, जहां हम आप सीधे तस्वीरें देख सकते हो। ये गजब का उत्साह लोगों में है कि लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों से सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री अब उनके बीच से गुजर रहे हैं तो अब लोग उनका अभिवादन पुष्प वर्षा से हाथ हिलाकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये शोर, ये जोश प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर, बड़ी संख्या में ये फ्लाईओवर से गाड़ी गुजर रही है, आप देख सकते हैं कि अंडरपास से, जहां पर बड़ी संख्या में दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। और ये वो सफर है जो राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम की तरफ जाता है। तो पिछले 2 दिनों में 3 रोड शो और गजब का उत्साह देखने को मिला। आप सीधे तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लगातार जो कारवां है, जो काफिला है, वो सरदार पटेल स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि कुछ ही देर में जो खेल महाकुंभ है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और अपने लोकप्रिय नेता का इंतजार लोग घंटों से कर रहे हैं सड़क के दोनों तरफ। लोगों के हाथों में पुष्प मालाएं हैं, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, गुब्बारे हैं ताकि प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा सके, उनका स्वागत किया जा सके। प्रधानमंत्री का ये गुजरात का 2 दिवसीय दौरा है, काफी महत्वपूर्ण, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बैंड बाजों की, ये आप देख सकते हैं कोई बड़ा चौराहा है जहां पर दोनों तरफ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री काफिला रुक गया है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बाहर निकले और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोग बड़ी संख्या में।
मोदी के नारों के साथ अहमदाबाद की सड़कें आज गुंजायमान हो रही हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा है, फूलमाला है, स्वागत के लिए तैयार, स्वागत का इंतजार, और लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, इसीलिए समय लग रहा है और काफिला रुक रहा है, क्योंकि लगातार जो स्वागत है वो स्वागत कार्यक्रम वो लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और लोग वीडियो बनाने के लिए लालायित है। प्रशासन को भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, क्योंकि लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। उनको पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो उनका स्वागत करेंगे, अपने नेता को अपने बीच पाकर लोग उत्साह से परिपूर्ण है, उत्साहित है। और आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग जो है, लोगों का जो जोश है, उमंग है, जो उत्साह है वो बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे लोग हैं जो आप हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये जो काफिला है धीरे धीरे सरदार पटेल स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ से अभी कुछ ही देर बाद खेल महाकुंभ का उद्घाटन होगा। तो आप वो बेताबी, वो इंतज़ार देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री के लिए है। खास तौर से यूथ की संख्या काफ़ी देखने को मिल रही है, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, तो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का दो दिवसीय गुजरात दौरा रहा, जो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण रहा। तीन रोड शो हुए जहां पर अपार जनसमूह रहा, लोगों का प्यार देखने को मिला। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो लगातार धीरे धीरे सरदार पटेल स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बीच में बड़ी संख्या में सड़कों के दोनों ओर लोग मौजूद हैं। लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हाथ में फूलमाला लिए हुए हैं, और लोगों वीडियो बनाने की, अपने मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो प्रधानमंत्री को अपने साथ कैमरे में कैद कर सकें। ये उत्साह, ये उमंग एक जनप्रिय नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जहां जो अहमदाबाद की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और मोदी के नारों के साथ आज अहमदाबाद की जो सड़कें हैं वो गुंजायमान हो रही, बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, घर से बाहर निकले हैं, या आसपास की जो दुकान है वहां से लोग बाहर निकले हैं, ताकि उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजरेंगे, और वो बस एक नज़र प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, अपने वीडियो में कैप्चर करना चाहते थे, सेल्फी लेने की कोशिश। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ एक हाथ लोग वीडियो बना रहे हैं, वहीं पुष्प वर्षा की जा रही, हाथों में तिरंगा है। जिसको जैसा मौका मिला वो अब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उतरा है और वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है, हाथों से अब हाथ हिलाए जा रहे हैं, अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का उत्साह कम न हो इसलिए लगातार प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर से ही बैठ कर हाथ हिला रहे हैं, लोगों का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये जो काफिला है धीरे धीरे सरदार पटेल स्टेडियम की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में आसपास ही देखा, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए, एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ। तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के रोड शो, सड़क किनारे खड़े लोग पीएम का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। से कुछ ही देर बाद जो खेल महाकुंभ है उसका उद्घाटन होगा, और खेल महाकुंभ का जो मकसद यही है कि युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित किया जाए, लोगों को फिटनेस के प्रति आकर्षित किया जाए। लेकिन यह जो पूरा रोड शो था राजभवन से लेकर सरदार पटेल स्टेडियम तक, बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ, उमंग के साथ लोग मौजूद रहे, ताकि वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर सके, प्रधानमंत्री को एक बार देख सके, अपने मोबाइल में वीडियो कैप्चर कर सके, सेल्फी ले सके। और प्रधानमंत्री ने भी लगातार लोगों का